नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube प्लेटफॉर्म तैयारी जीत के चैनल पर। लोअर पीसेस की तैयारी चल रही थी दोस्तों, और आज हम जीके के लगभग 80 प्रश्नों को हल करेंगे। तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक प्रश्न आपके सही हों। टारगेट है कम से कम 60 प्रश्न सही करने का। 80 प्रश्नों को हम हल करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि सूची एक और सूची दो को आपस में सुमेल करना है। ये भौतिक राशियां हैं एक तरफ और दूसरी तरफ उनकी इकाई। तो त्वरण, बल, कृत कार्य, किया गया कार्य और आवेग, इनको सुमेल करना है। तो क्या होगा सही जवाब? त्वरण जो है वो सुमेलित होगा आपके मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, बल जो है वो सुमेलित होगा न्यूटन से, कार्य जूल से और आवेग न्यूटन पर सेकंड से। इस हिसाब से सही जवाब होगा पहले का ऑप्शन सी। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि, दूसरे का सही जवाब क्या होगा? वे बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, हवा में प्रतिरोध होता है, जल में पृष्ठ तनाव होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है जल में पृष्ठ तनाव होता है। तो दूसरे का सही जवाब है ऑप्शन सी। किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? किसी तारे का रंग जो है वो क्या दर्शाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, उसका ताप। ठीक है, तारे विशालता स्वतः चमकदार गैसों के पिंड होते हैं जो स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल से परस्पर बंधे रहते हैं। भार के अनुपात में तारों में 70% हाइड्रोजन, कुछ परसेंट हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तथा 0.5% लोह तत्व हो सकता है। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कॉस्मिक किरणें, सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन ए, वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ये सही नहीं है, बाकी तीनों कथन जो है सही हैं। उनकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है, वे बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है, वे सूर्य से उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न है, विलियम रोंट जैन ने किसका आविष्कार किया था? कुछ सेकंड का आपको समय दिया जाता है। पांचवे का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक्सरे मशीन का। अच्छा, तो रेडियो का फिर आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने। एक्सरे का बता ही दिया है मैंने, रोंट जैन। विद्युत बल्ब, थॉमस अल्वा एडिसन। विद्युत मोटर, जैकोबी। ठीक है, जैकोबी। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है, किसका बना होता है? सही जवाब है टंगस्टन। और टंगस्टन की खासियत क्या है? कि ये बहुत ज़्यादा उच्च ताप झेल सकता है और ये पिघलता नहीं है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या हो सकती है? न्यूनतम पूछा है। सातवें का सही जवाब क्या होगा? न्यूनतम इकाई लंबाई की, तो ये है फर्मी मीटर। फर्मी मीटर यानी कि 10^-15 नैनोमीटर, 10^-9 एंगस्ट्रॉम, 10^-10, और माइक्रोन जो होता है वो 10^-6। तो सातवें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, फर्मी मीटर। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। टांका एक मिश्र धातु है, टांका एक मिश्र धातु है किसका? सीसा और टीन। सीसा और टीन सही जवाब है ऑप्शन ए। अब सीसा कितना परसेंट होता है? 68%, जबकि टीन 32%। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित होती है CH4, CA2, H2N2। दसवें का सही जवाब है CH4, जिसको कि मीथेन भी कहा जाता है, मार्स गैस भी कहा जाता है। कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? 11वें का सही जवाब है इथेफोन। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? हीलियम, ऑर्गन, रेडॉन, नियोन। 12वें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, रेडॉन। पारिस्थितिकी निकेत, आला नीचे भी जिसे कहा जाता है, इसकी संकल्पना किसने दी थी?
ग्रिनेल्स ने, डार्विन ने, ईपी ओडम ने, सीसी पारक ने। तो पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना दी थी ऑप्शन सी, ईपी ओडम, ईपी ओडम ने दी थी, इसको याद रखिएगा। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रीन कहाँ से प्राप्त होता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, एक बीजीय पौधे से। कैलेस्ट्रॉल क्या है? कैलेस्ट्रॉल क्या है? 15वें का सही जवाब है कैलेस्ट्रॉल जो है वो स्टेरॉयड है। रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लोह तत्व होता है, ये सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह कुछ रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो यहाँ पर कौन सा एक सही सुमेल नहीं है? वो है यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ये गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन ऊपर के सही है। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का वाहक होता है, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन एंड स्टील निर्माण शाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर। सही जवाब है जमशेदपुर। निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीकी महाद्वीप में नहीं स्थित है? गैबन, गानी, गिनी, गिनी बिसाऊ, गुयाना। सही जवाब है 18वें का ऑप्शन डी, गुयाना। सुमेल करना है आपको, एक तरफ है मरुस्थल, दूसरी तरफ है राष्ट्र। सुमेल करें, कौन सा एक सुमेल नहीं है ये पूछा है। तो 19वें का सही जवाब है गिप्सन। गिप्सन जो है कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। बाकी काराकुरम सही है, तुर्कमेनिस्तान, तकला मकान चीन, सोनोरॉन, सोनोरॉन भी सही सुमेल है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है किसके द्वारा? राज्यसभा के सभापति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा? आर्टिकल 108 के तहत संसदीय संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, इसकी अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष। यह किसने कहा कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, क्या होगा सही जवाब? सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान की अभिभावकत्व निहित है किसमें? सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय में। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे क्या? निशाका, सही जवाब है स्वर्ण आभूषण। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के संत के बारे में सही नहीं है? कुछ सेकंड दिए जाते हैं आपको, ऑप्शंस को पढ़िए। सही जवाब है उन्होंने प्रयाग को तीर्थ राज का नाम दिया, ये सही नहीं है, ठीक है। सोनगिरी, सोनागिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं किसके सन्निकट स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन ए, दतिया, मध्य प्रदेश का दतिया जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? सही जवाब है ऑप्शन डी, जयसिंह द्वितीय ने। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है कहाँ पर? ग्वालियर में। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था? सही जवाब है अकबर शाह द्वितीय। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था लॉर्ड वेलेजली ने, ठीक है। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? ऑप्शन सी, के रामकृष्ण पिल्ले। निम्नलिखित में से
कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? तो 35वें का जो है क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942 के, यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, ये जो है इसमें शामिल नहीं था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की सभापतित्व किया था? तो 36वां का तो प्रश्न सरल है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित सत्याग्रहों में किसका नेतृत्व गांधी ने नहीं किया? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारदोली खेड़ा। तो आपको पता होना चाहिए, 37वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, बारदोली। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो 38वें का सही जवाब है ऑप्शन डी, उर्दू। इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था उर्दू में, जबकि अंग्रेजी, तमिल और गुजराती में छपता था, और ये 1904 में जो है गांधी जी द्वारा जो है इसका संपादन करना शुरू किया गया। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? सही जवाब है ऑप्शन ए, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? सही जवाब है 40वें का ऑप्शन डी, स्वदेशी आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो सही जवाब है बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन डी। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किसने किया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन ए। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था दोस्तों? सही जवाब है 43वें का ऑप्शन ए, हिंदू मुस्लिम एकता। और ये जो असहयोग आंदोलन है ये गांधी जी ने वापस लिया था चोरा चोरी कांड के वजह से। 5 फरवरी 1922 को उग्र भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था थाने में, उससे आहत होकर के महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद, बहुईश्वरवाद, अनीश्वरवाद, अद्वैतवाद। 44वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, एकेश्वरवाद। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होगा? सही जवाब है 46वें का ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होगा? तो यहां पर सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकाष्ठा थी। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। तो यहां पर ऑप्शन ए होगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या भी करता है। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह कौन सी है? सरहुल त्यौहार, संथाल, मुंडा, भील, थारू। सही जवाब है 48वें का ऑप्शन बी, मुंडा जनजाति जो है उस सरहुल त्यौहार मनाती है। झूमिंग सर्वाधिक कहाँ है? झूमिंग कृषि, असम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मध्य प्रदेश। सही जवाब है 49वें का, वो है मध्य प्रदेश। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको? छोटा अंडमान और निकोबार के बीच में, जबकि कोको चैनल अंडमान और म्यांमार के बीच में है, पाक स्ट्रेट भारत श्रीलंका के बीच में, और 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में। कौन सा एक सुमेल नहीं है? बिहू असम, ओणम आंध्र प्रदेश, पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब। सही जवाब है ऑप्शन बी, ओणम जो है वो केरल में मनाया जाता है। कौन सा सही सुमेल नहीं है? 52वें का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जैसलमेर जो है वो स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, ना कि झीलों के नगर के। ठीक है, उत्तरांचल की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति, सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है?
भोक्सा, जौनसारी, भोटिया, थारू। सही जवाब है थारू। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, अनाईमुड़ी, दोदाबेटा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। सही जवाब है ऑप्शन ए, अनाईमुड़ी। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल, धारवाड़, विंध्य, कुडप्पा, गोंडवाना। सही जवाब है धारवाड़ तंत्र। खनिज के लिए सबसे फेमस है धारवाड़ तंत्र, चूना पत्थर के लिए फेमस है विंध्य तंत्र, गोंडवाना तंत्र जो है वो कोयला के लिए फेमस है। जितने भी कोयला खदानें हैं वो गोंडवाना तंत्र के अंतर्गत आती हैं। 2001 जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, ऑप्शन डी तमिलनाडु, लेकिन पेपर में 2011 आएगा इसलिए ध्यान रखिएगा। सेंसस आप 2011 का तैयार करें। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में कितने वर्षों तक दिखाई ना दे। सही जवाब है ऑप्शन ए, 15 वर्ष। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं, प्रतिजैविक, परजैविक, ह्यूमेलिन, एनाल्जेसिक। सही जवाब है ऑप्शन सी, ह्यूमेलिन। विश्व स्तर पर ग्रीन हाउस गैसेस में भारत का अधिकतम भाग कितना है? सही जवाब है 5%। भारत की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही, कब रही दशकीय वृद्धि सर्वाधिक? 60वें का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1991 से 2001। लेकिन लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार ट्रेंड बदल गया है। अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका सही जवाब होगा 2011 से 21, ठीक है? 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई है बिहार में, नागालैंड में, सिक्किम में, उत्तर प्रदेश में। 62वें का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है बिहार में, 25.10%। भारत के नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर पाई जाती है। सरल प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए, केरल। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक मध्य प्रदेश, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? ऑप्शन सी, ईरान। पतन जहाँ एलएनजी टर्मिनल नहीं है, ऑप्शन डी कांडला। दाहेज और हजीरा एलएनजी टर्मिनल गुजरात में स्थित है, जबकि कोची में देश का पहला एलएनजी टर्मिनल है। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है, तो कारण जो है वो मेल नहीं खा रहा है। तो 67 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पढ़िए चारों कथनों को, 68वें के चारों ऑप्शंस को पढ़िए। सही जवाब है उत्तर प्रदेश में केवल 50 लाख जो है लोगों के किस जनसंख्या सहित नगर है, तो ये सही सुमेल नहीं है। उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है, महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है। ये सही सुमेल नहीं है, मतलब कारण जो है उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। भारत में निम्नलिंगानुपात के लिए निम्नांकित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? 70 का सही जवाब क्या होगा? उच्च मातृ मृत्यु दर सही है, उच्च बालिका मृत्यु दर ये भी सही है, बालिका भ्रूण हत्या, बालिकाओं तुलना में अधिक बालकों का जन्म, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? अवरुद्ध देश नहीं है वो बताना है। सही जवाब है लाइबेरिया। सही उत्तर का चयन करें। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, बिल्कुल सही। हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है, ये भी सही है। संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका दूध का अग्रणी उत्पादक है, ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है, तो यहाँ पर कौन सा सही है? सही जवाब है 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, और डेनमार्क नंबर वन पे है दूध का सबसे अग्रणी उत्पादक। अगला प्रश्न जो पूछा गया है 73वें का, ऑप्शन सी होगा। पीट्सबर्ग जो है लोहा और इस्पात के लिए फेमस है, शंघाई जो है सूती वस्त्र के लिए, डुंडी जो है
वो जूट वस्त्र के लिए लेनिनग्राद जो है वो आपका सुमेल होगा पोत निर्माण उद्योग से। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? दक्षिण अमेरिका पंपाज, एशिया का यूरेशिया का स्टेपीज प्रेरी, उत्तरी अमेरिका ठीक है सेल्वा जिसको सेल्वाज भी कहा जाता है, वेनेजुएला के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ के घास प्रदेशों को सेल्वाज कहा जाता है। तो फिलहाल 74वें का आंसर जो है क्या होगा? ऑप्शन बी पंपास। कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? कैनरी, बेंगुला, अंगुलहास, ब्राजील धारा। सही जवाब है ऑप्शन बी बेंगुला धारा। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है ओस्लो में। ओस्लो में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? चिनूक, सिरोको, ब्लिजर्ड, नॉर्वेस्टर्स। 77 का सही जवाब है ऑप्शन सी चिनूक। अमेरिका और कनाडा में स्थित पवन रॉकी पर्वत श्रेणी की पूर्वी ढाल पर नीचे उतरती है ठीक है। सिरोको जो है वो सहारा मरुस्थल में बहती है। ब्लिजर्ड जो है वो ध्रुवीय पवन है ठीक है, जो कि अत्यधिक सर्द और हिमकणों से युक्त होती है। बाकी नॉर्वेस्टर्स पश्चिम बंगाल, काल बैसाखी भी जिसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ नहीं है? घुमक्कड़ जनजाति नहीं है। 78 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए पिग्मी। पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? जायरे, कांगो। मसाई जनजाति जो है पाई जाती है पूर्वी अफ्रीका, कीनिया भी ऑप्शन में हो सकता है, कजाकिस्तान में, कजाक, मध्य एशिया, लैप जो है यूरोप के टुंड्रा प्रदेशों में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी मिसिसिपी मैदान। मृतक घाटी जानी जाती है किस लिए? अत्यधिक उष्णता के लिए। कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है मृतक घाटी। मोनालोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ का? मोनालोआ हवाई का। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी मॉस्को, पोत निर्माण के लिए नहीं जाना जाता। मॉस्को जो है वो इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है, इंजीनियरिंग उद्योग के लिए। बाकी अन्य ऑप्शन सही, अनसान, लोहा, इस्पात, डेट्राइट, ऑटोमोबाइल्स, ओसाका, वस्त्र उद्योग। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति का अधिकार, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है आर्टिकल 17 में। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों में? तो 84 का सही जवाब है ऑप्शन बी 6 माह के भीतर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो यहाँ पर जो सही है वो है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने लगभग 80 के करीब प्रश्न किए, कुछ प्रश्न बीच में छूट गए थे तो इसीलिए मैंने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए 85 तक किए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट करके, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।